अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं शुरू और आज मैं ठीक हो ना आपको जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये सब्जी है, ये देखें, ये सब्जी काश्त की हुई है बिल्कुल। वो पहले जो व्लॉग डाला था उसमें इसकी जगह बना रहे थे सब्जी की, अभी उग गई है तकरीबन। ये मुझे लगता है गाजरें, पालक, मूली और वो जो है लहसुन है और ये बरसी है। और आज मैं आपको विज़िट करवाता हूँ अपने जो हमारे यहाँ ज़मीन में लगे हुए फ्रूट के पौधे, उनका विज़िट करवाता हूँ क्योंकि आपको पता है देहातों में चलो जगह होती है, बंदा पौधे लगा लेता है फ्रूट के, दूसरे भी तो लगाने होते हैं फ्रूट के। एक तो फ्रूट का ये फ़ायदा होता है कि बंदा इसके फ्रूट भी खा सकता है। ये है मुझे लगता है माल्टा और वो जो तीन चार लगे हुए हैं वो मिठड़े के हैं, जिसको मिठे बोलते हैं और इंग्लिश में मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं। और ये अमरूद लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, ये गाइस अमरूद हैं, अमरूद भी लगे हुए हैं लेकिन अभी पक्के नहीं हैं। ये देखें ये भी अमरूद का बूटा है। और ये गाइस बताएं कि किस चीज़ का पौधा है, कमेंट्स में बताएं लाजमी। और गाइस ये जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये है अमरूद का पौधा, ये देखें ये बड़े हैं, ये तो बहुत देर के लगे हुए हैं, तकरीबन इनको 20-30 साल हो रहे हैं ये पौधे लगे हुए हैं अमरूद के। इनको ये जो छोटे हैं इनको हमने तकरीबन हो गए हैं कि 2 साल लगाए हैं। और चलते हैं अपने आगे, मैं आपको जो दिखाता हूँ बहुत ही। और ये देखें ये जामुन का पौधा है, जामुन, ये जामुन है, ये भी बड़ी देर का लगा हुआ है तकरीबन। और ये जो पौधा है ये ना माल्टा है और ना मीठा है, ये कोई अजीब ही कोई चीज़ है। इसका गाइस अभी मौसम नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता भाई ये क्या चीज़ है। ये ना माल्टा टाइप ही होता है लेकिन ना वो जायका उस चीज़ का नहीं है। ये देखें ये लेमन है, ये नींबू है, नींबू, ये देखें ये 12 मंथ ही होता है, इसको 12 मंथ ही फल लगता है इस लेमन को। ये हमने लिया था नर्सरी, किसी अच्छी नर्सरी से। ये देख ये माड़ा पितरेर है, ओए इसके काम चेक करें, क्या करने आए हो हैं, क्या करने आए हो, ये क्या है हैं हैं, ओ दस ये गन्ना नहीं, गन्ना होता कैसे, गन्ना खला है, गन्ना, गन्ना है हाँ। कहीं गन्ना है तोड़ा है सही है। ये जी माड़ा पितरेर है, ये गन्ना खा रहा था, गन्ना खा लिया अब छाड़ देता है, चलो ठीक। और गाइस ऐसे ही जुड़े रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये जो पौधा है ना गाइस ये है मीठे का, मीठे का है ये, इसको सूंघ कर चेक करते हैं। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपया काट ओवर एक्टिंग के वजह। अब मैं आपको वो फ्रूट दिखाता हूँ उसका पौधा जो आपने इधर कम ही सुना होगा और देखा होगा, क्योंकि इधर ज़्यादातर इनका मौसम ये उस ठंडे इलाके में होते हैं, सर्दी इलाके में। ये है आड़ू का, आड़ू का ये पौधा है देख सकते हैं। अभी हमने इसको कटाई की थी लेकिन फिर ये हुआ नहीं सही, तकरीबन अच्छे खासे इसमें फल लगते हैं। और जो आगे मैं आपको दिखाता हूँ वो एक और आम का है, दूसरा दरख्त, आम का दरख्त मैं आपको दिखाता हूँ जो कि ये देखें, ये देखें गाइस ये आम का दरख्त है,
और आगे मैं आपको दिखाता हूँ जो आपका फेवरेट फल है। तो रुको जरा, सबर को बताना कमेंट्स में फेवरेट है या नहीं। ये गाइस केला। ये केले का पौधा है, ये तकरीबन यार बढ़ता बहुत जल्दी है। ये तकरीबन एक मंथ पहले मैंने देखा था इतना था, और अभी ये देखें ये दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। पता नहीं इसको, इस पर कोई खास अल्लाह की रहमत है। और ये देखें, ये है केला। तो क्या नाचो मैं? दिलाल, दिलाल, अब गाइस हम उठाने जा रहे हैं वो तांज। ये देखें ऊपर चढ़ा हुआ है बंदर, और ये हमारी मक्की है माशाल्लाह। देखें चले, इसकी कमजोरी है, इसको विटामिन डी की कमजोर मसला है, इसको विटामिन सी और डी इसके कमजोर हैं, बाकी ये ठीक है। किसकी मक्की है? हमारी मक्की। हमारी मक्की? हाँ। हमारी क्या होता है? हमारी मक्की होता है। क्या होता है? हमारी मक्की। अच्छा, हमारी मक्की। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप हमारी अगली वीडियोस देख सकें। अगली वीडियो बेस्ट करें हैं? अगली वीडियो बेस्ट करें, बेस्ट करें, अगली वीडियो बेस्ट करो ते मैं पापा रे को और गाइस ये देखें, हमने ये जो है ना काश्त कर दिया है, गंदम। ये गंदम काश्त किया हमने, और ये पहले यहाँ पर मुंजी थी, और अब इसके ऊपर ही हमने गंदम काश्त की है। दुआ करें अल्लाह बेहतर करेगा। गाइस अगर आपके पास ज़मीन थोड़ी है ना, आप सब्ज़ी लाजमी उगाएं, क्योंकि सब्ज़ी जो है ना घर की उसका स्वाद ही अलग है। और ये जो ऊपर बंदर चढ़ा हुआ है, अरे बंदर, और सब्ज़ी जो घर की है ना गाइस, बाज़ार वाली सब्ज़ी दो दो तीन तीन दिन की होती है, लेकिन जो घर की सब्ज़ी है वो ताज़ा सब्ज़ी है। जब मर्ज़ी उसको काटो और घर में पकाओ और खाओ। और अगर आपके पास ज़्यादा ज़मीन है तो आप फल भी उगाएं, फलों के पौधे भी लगाएं, ताकि आप ताज़ा फल भी खा सकें अपने घर के। और आज का व्लॉग करते हैं यहीं स्टॉप।